कितने टाइम से आप ये खाना खा रहे हैं? टाइम हो गया, मतलब 2-3 महीने हो गए खाते। 2-3 महीने हो गए, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, डेली खाना खाने आते हैं? कैसा लगता है आपको खाना? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। सारा कुछ टेबल पे मिलता है आपको? देख सकते हो, एक बार रायता है, आलू की सब्जी है, देख सकते हो छोले हैं, मटर पनीर है, कड़ी है, चावल है। तो 1 रुपए के अंदर भरपेट खाना खाते हैं। अब भरपेट खाना खाते हो ना? हाँ जी, देख सकते हो भरपेट खाना खाते हैं, डेली आते हैं। खाना एक नंबर का होता है, खाना एक नंबर का होता है। रेगुलर मिलता है, रेगुलर मिलता है, रेगुलर बढ़िया खाना होता है। आप भी रेगुलर आते हो? हाँ जी, और रेगुलर चलता है, रेगुलर चलता है। मात्र 1 रुपए के अंदर, मात्र 1 रुपए की थाली है। और ये नहीं कि एक बार ही खा दे दिया, यानी पेट भर के आदमी, पेट भर के आराम से, पेट भर के खाने के लिए उठना नहीं पड़ता, सब कुछ यही मिलता, सब कुछ यही मिलता है। तो देख सकते, तो भाई कहते हैं ना कि जो काम भूखों को खाना खिलाना होता ना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। अगर आप कोई पुण्य का काम करते हो तो आप भूखे को खाना खिला दो, तो आपका पुण्य का काम अपने आप ही हो जाएगा। तो भाई ऐसी ही एक जगह पे आपको लेके आए हैं, श्री श्याम रसोई के अंदर। जी हाँ, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल दिल्ली का फूडी। दोस्तों देख सकते हो मैं लेके आया आपको श्री श्याम रसोई नांगलोई के अंदर, जो कि चलती है। और मैं आपको बता दूँ, ये प्रवीण कुमार द्वारा ही चलती है रसोई, और मैं आपको इस रसोई के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा। और मैं सबसे बड़ी चीज़ अगर बताऊँ, यहाँ पर मात्र 1 रुपये के अंदर थाली मिलती है, सिर्फ 1 रुपये के अंदर। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, 1 रुपये भी सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई वो फ्री में खा रहे हैं। तो लोगों का स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे 1 रुपया लिया जा रहा है, वरना यहाँ पे एक तरीके से फ्री ही खाना है। 1 रुपये के अंदर क्या क्या देते हैं, और प्रवीण जी से ही बात करेंगे और खाना दिखाएंगे कैसा खाना है यहाँ का। तो एक बार चलते हैं, बात करते हैं, उस वीडियो को एंड तक देखना। और भाई आपके लिए इतनी दूर आए हैं, मेहनत करिए आपके लिए, तो जब तक इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, और भाई हर एक इंसान तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना भाई। सकते हो श्री श्याम रसोई के जीरा राइस, जीरा राइस है, देख सकते हो भाई जीरा राइस है, भंडारे पंजाबी कढ़ी है। ये देखिए भाई पंजाबी कढ़ी, ये पंजाबी कढ़ी है, इसके जो कारीगर है छोले का और कढ़ी का, ये पंजाब से बुलाया गया है। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए, ये भंडारे वाली आलू की सब्जी है, ये देख सकते हो भाई भंडारे वाली आलू की सब्जी, ये लीजिए भाई। और ये हमारी रसोई की शान है, ये देखिए मटर पनीर, मटर पनीर देख सकते हो भाई, कितनी बढ़िया रंगत आ रही है इसकी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है दिखने में। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए भाई, ये हमारी रसोई की शान है पंजाबी छोले, पंजाबी छोले जिसका मसाला अमृतसर से आता है, अमृतसर से आता है। हाँ, और ये वही कारीगर ने बनाया जो वो, हाँ ये पंजाब वाला कारीगर है। अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा ये रोटी है, ये देसी घी की रोटियाँ, नहीं देसी घी कह लो कुछ भी कह लो, ये प्रसाद है, वो रोटी है, ये पूरी है, पूरियाँ। तो इस तरीके से फूड मिलता है, हमारी जल सेवा है, ये देख सकते हो यहाँ पे जल सेवा भी चलती है प्रॉपर, ये देख सकते हो आप जग वग वगैरह। और जो है इसके अलावा सभी को हम बिठा के खिलाते हैं, तो देख सकते हो अभी खाली है, अभी देखो बाहर पब्लिक की लाइन लग रही है, वहाँ बाहर खाइए। तो ये देखिए भाई यहाँ पे देखिए पब्लिक की लाइन लग रही है। पहले क्या होता है, यहाँ पे लोग लाइन में लगते हैं, लाइन में लगते ही लेते हैं और ये खाते हैं। अंदर जाके जो मैंने आपको सीटिंग दिखाई थी, वहाँ पे जाके ये लोग खाते हैं। और देख सकते हो भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा सेटअप। और मैं बताऊँ श्री श्याम रसोई के बारे में, बहुत ही टाइम से चल रही है। और साथ में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर खाना देते हैं। तो ये देखिए भाई यहाँ पर लोग आते हैं और ये देख सकते हो 1 रुपया डालते हैं, उसके बाद ये देखिए भाई, ये देखिए भाई पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको। ये 1 रुपया डालते हैं और यहाँ से लेते रहते हैं, देखिए भाई। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अनलिमिटेड है, पेट भर खाना खिलाते हैं यहाँ पे प्रवीण कुमार जी, पेट भर खाना खिलाते हैं। तो एक बार अंकल जी से बात कर लेते हैं। अंकल जी ये बताइए कितना टाइम से ये प्रोसेस है? ये पहले 10 रुपये में था। पहले तो सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, सभी शाम प्रेमियों को नमस्कार, सभी बहन भाइयों को नमस्कार। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए मुझे हमेशा, और भगवान मिलता रहे ऐसे। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा थोड़ा थोड़ा साथ दें और आगे सेवा भी करवाएंगे। तो आप यहाँ, ये पहले 10 रुपये में था और 10 रुपये में से 1.5 साल चला, अब उसके बाद जो है 1 रुपये। पहले ये मेट्रो की साइड था, सूरजमल की साइड से। हाँ हाँ, वहाँ हमारा ऑफिस हो गया, वहाँ ऑफिस हो गया। अब ऑफिस है, यहाँ भंडारा चलता है हमारा परमानेंट, 1 रुपये की थाली भरपेट वाली। मेरे को ये बताइए, अगर कोई दिल्ली के अंदर आसपास एरिया में कोई मंगाना चाहता है 200-300? सर उनके लिए फ्री है, ये उनके लिए फ्री है, जो के जो लोग हैं ना, हाँ हाँ, उनकी डेथ हो जाती है, हाँ, उनके लिए भेजते हैं। अच्छा, बाकी वृद्धाश्रम वगैरह भेजते हैं, सभी जगह भेजते हैं। तो देख सकते हो भाई कितना नेक काम कर रहे हैं। और ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट कैसा है आपका? ये काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, अब उसको बार बार दोहराना सही नहीं है। और हम तो एक बात कहते हैं कि भैया भरपेट खाएं, जूठा ना छोड़ें। और 1 रुपये की थाली है, चाहे एक बार लो, दो बार लो, 10 बार लो, 20 बार लो,
ठीक है जी, ठीक है जी। पर ज़्यादा बात ना कहूँगा मैं भाई, किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े इसलिए अगर बोले। जय श्री कृष्ण भाई। जैसा कि अंकल ने हाँ, मेरा ये एड्रेस है, ये देखिए जैन का प्रॉपर एड्रेस, शॉप नंबर 1 भूत वाली गली, देख सकते हो। का दान देना चाहते हैं दे सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे राशन का दान देना चाहते हो तो यहाँ पे कॉल कर सकते हो, और साथ ही पेटीएम नंबर भी, अगर चाहो तो 1-1 रुपया भी अगर आप यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन करते हो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप अन्न का दान दें। पूरे हिंदुस्तान से प्रार्थना है, 10-10, 20-20, 50-50 रुपये का भी राशन भेजेंगे तो ये सोई चलती रहेगी। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि मेरा थोड़ा साथ दें, राशन दें, पैसे ना दें, ऑनलाइन भेजें। ऑनलाइन बहुत कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ग्रोफर, बहुत कंपनी है, रिलायंस वालों की बहुत कंपनी, सभी कंपनियों की है, उनके द्वारा मेरा राशन भेजा जाए। ये मेरा एड्रेस है, और सुबह मेरी चाय की सेवा होती है वहाँ पे। देख सकते हो भाई, कॉन्टैक्ट करना है देखो भैया, कॉन्टैक्ट करना है तो ये नंबर है। देखिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये वाला नंबर है इनका, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सेवा के लिए। और आप 11 बजे से 1 बजे तक मुझे परेशान ना करें, मेरा भंडारे का टाइम होता है, उसके बाद बात करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप देख सकते हो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक इनको कॉल ना करें तो अच्छा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग में बहुत ही बिजी होते हैं। और मैं आपको चीज़ बता दूँ, सुबह इनकी देखो चाय की सेवा चलती है, उसके बाद दोपहर के अंदर ये लंच की सेवा चलती है, पानी की सेवा चलती है, और कुछ बुज़ुर्ग लोगों के लिए और जो खाना नहीं बना सकते उन लोगों के लिए ये टिफ़न सर्विस भी देते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी प्यारी रसोई है, और सिर्फ इसकी कीमत 1 रुपये इसलिए रखी गई ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि यार हम दान में खा रहे हैं या फिर हम फ्री में खा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे 1 रुपये रखा गया। और तो भाई देख सकते हो, पर बच्चों से भी पूछते हैं, तो बेटा आपका नाम क्या है? परी। परी, आप कितने टाइम से खाते हो यहाँ पर खाना? यहाँ पे 1 बजे से, तो क्या 12 बजे से। 12 बजे से आप आ जाते हो, रोज आते हो आप? हाँ। डेली खाना खाने आते हो? हाँ। कैसे लगता है आपको खाना? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, सारा कुछ टेबल पे मिलता है आपको? हाँ। देख सकते हो। तो भाई कुछ लोगों से और पूछते हैं कि कैसा लगता है उनको खाना। देखिए भाई यहाँ पे लोग बड़े ही इंतमान से खा रहे हैं, एक बार पूछते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक जी, कितना टाइम से आप खा रहे हैं यहाँ की थाली? बस मैं तो आज ही है। आ जाओ, कैसा लग रहा है आपको खाना? ठीक है, बढ़िया लग रहा है। दोबारा आओगे आप यहाँ पे? हाँ जी, दोबारा आओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। देख सकते हो भाई बड़ा प्यारा इनको खाना लग रहा है, दोबारा भी आएंगे। और भी लोग हैं कुछ यहाँ पे, एक बार इनसे पूछ लें। अंकल जी आपका नाम क्या है? संजय। संचित जी, संचित जी आप कितना टाइम से यहाँ पे खा रहे हो? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। पहले ये अब देख तो टेबल पे सब कुछ मिलता है 1 रुपये के अंदर, तो सबसे बढ़िया लगता है आपको? हाँ बढ़िया। देख सकते हो अंकल की थाली, देख सकते हो एक बार, रायता है, आलू की सब्जी है, देख सकते हो छोले हैं, मटर पनीर है, कड़ी है, चावल है, तो 1 रुपये के अंदर भरपेट खाना खाते हैं। अब भरपेट खाना खाते हो ना? हाँ जी, भरपेट खाना खाते हैं, डेली आते हैं यहाँ पे, इंजॉय करते हैं। आप लोग बताओ सेवा जो है वो मेन है, मतलब सेवा का काम जो है सबसे बढ़िया लगता है। एक बार यहाँ पे देखिए अंकल जी भी खा रहे हैं, एक बार अंकल जी से पूछते हैं। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? अंकल जी रमेश। नवीन। रमेश। रमेश जी, तो रमेश जी आप कितने टाइम से खा रहे हैं? 4 महीने हो गए। 4 महीने, कैसा लगता है आपको खाना? 1 नंबर का होता है खाना, 1 नंबर का होता है। रेगुलर मिलता है? रेगुलर मिलता है, रेगुलर बढ़िया खाना होता है। आप भी रेगुलर आते हो? हाँ जी, और बढ़िया खाना होता है नी यहाँ पर, बहुत बढ़िया खाना होता है, और रेगुलर ये रेगुलर चलता है, ये रेगुलर चलता है। हाँ, मात्र 1 रुपये के अंदर, मात्र 1 रुपये की थाली है, और यही के एक बार भी खा दे दिया यानी पेट भर के आदमी, पेट भर के आराम से, पेट भर के खा के लिए उठना नहीं पड़ता, सब कुछ यहीं मिलता, सब कुछ यहीं मिलता है। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे सारी सर्विस यहाँ पे उनका टेबल पे मिलती है, जो कि भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर सर्विस नहीं मिल पाती, उन रेस्टोरेंट्स का मुकाबला करिए शाम रसोई मात्र 1 रुपये के अंदर। एक तो यहाँ पे जल सेवा करते हैं। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम चरण सिंह है जी। चरण सिंह जी, तो यहाँ पे जल सेवा आप कर रहे हैं जी? हाँ। तो अंकल जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, और अंकल जी, अंकल जी कितना टाइम से कर रहे हैं? अंकल कितना टाइम से कर रहे हो? मैं हो गया कोई तकरीबन 1 साल के आसपास। 1 साल के आसपास, क्योंकि अंकल 1 साल से पानी की सेवा कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया बात है कि लोगों को पानी पिला रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे लोगों की टेबल तक पानी पहुँच रहा है, लोगों को आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लोग वहाँ बैठे हैं खाना लेके, 1 रुपया लेके अपना, और फोन है, हर एक टेबल पर पानी पहुँच रहा है, देख सकते हो। कोई भी इंसान उठ नहीं रहा पानी के लिए, हर एक इंसान तक पानी पहुँच रहा है प्रॉपर। तो अंकल जी ऐसे ही योगदान करते हैं, और हमारा भी योगदान तो बताइए। धन्यवाद जी अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये है कड़ी, देख सकते हो यार कड़ी पकोड़ा कितना बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए भाई ये पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर है ये, देख सकते हो। और ये देखिए भाई भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, ये देखिए भाई।
और सबसे मेन देखिए छोले, जो कि अंकल ने हमें बताया था, जो कढ़ी और छोले इसका कारीगर स्पेशल पंजाब से है और छोले के मसाले अमृतसर से आते हैं, मैं आपको बता दूँ। और देखिए जी ये जीरा राइस और साथ में दिए हमें पूड़ियाँ और साथ में दिए रोटी। तो भैया मैं को एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये जो खाना हमें दिया है ये अनलिमिटेड है, हम दोबारा भी ले सकते हैं जब तक हमारा पेट नहीं भरता। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है, आप इतना सा भी वेस्ट नहीं कर सकते, अगर जितना आपने थाली के अंदर लिया उतना आपको खाना पड़ेगा, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो एक बार हम इसका रिव्यू करते, रिव्यू मैंने बोल दिया, रिव्यू नहीं कर सकते इसका, क्योंकि यार जो खाना एक रुपये के अंदर किसी इंसान का पेट भर रहा है उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसमें कोई कमी या कोई अच्छाई नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये खाना ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है। तो एक बार टेस्ट करते हैं बढ़िया से। ये देखिए सबसे पहले मेन चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट ये लगी कि यार एक रुपये के अंदर दे रहे हैं, उसके अंदर भी देखिए क्वांटिटी पर कोई भी रोक नहीं है और क्वालिटी पर भी कोई रोक नहीं है। क्वांटिटी जितनी मर्जी ले सकते हैं और क्वालिटी देख सकते हो आप कितनी बढ़िया लग रही है, खाने की क्वालिटी देखकर ही पता लग रहा होगा आपको कि कितना प्यारा खाना है। एक बार खा के देखते हैं। गाइस खाना बहुत ही प्यारा है यार, आप लोग ज़रूर आना एक बार और यहाँ पे आके अपना छोटा सा योगदान ज़रूर करना, हमसे जितना हुआ हमने उतना योगदान किया, आप भी यहाँ पे आइए योगदान कीजिए और सेवा कीजिए, मेन चीज़ सेवा कीजिए। और मैं सबसे मेन चीज़ आपको बताऊँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, उन लोगों तक पहुँचाना जो लोग नांगलोई के आसपास रहते हैं या फिर दिल्ली में कहीं पर भी रहते हैं और जिन लोगों के घर में खाना नहीं बन पाता, जो कि मिडिल क्लास है फिर लोअर क्लास है, जो चाहते हैं कि हम कम पैसों के अंदर खाना खा सकें, उन लोगों को शेयर करना ताकि वो लोग यहाँ पर आएँ और ये खाना टेस्ट कर सकें और ये खाने का इन्जॉय कर सकें। तो इस वीडियो को लाइक करिए भाई, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आपको लाते रहते हैं। एक रुपये में अनलिमिटेड खाना खाइए और मज़ा लीजिए भाई, और सेवा के भाव से खाइए।